डीके अमेजिंग नॉलेज में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मजेदार ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सीप जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उनके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी। राजकुमार को बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था, लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती हैं। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उसके अंदर अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। ये एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलवाए और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में यूं ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरु जी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पोते के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधागुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मानकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब एक महीने बाद नंदन को भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए।
इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने की कहा। दोनों सैर पर निकल गए, रास्ते भर बहुत बातें की। गुरु जी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरु जी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने के लिए कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरु जी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरु जी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरु जी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरु जी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरु जी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरु जी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे ये कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी की शिक्षा, गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम में गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं, तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। हम आशा करते हैं कि यह मोटिवेशन एल कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और मोटिवेशन एल कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।